हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है मंडे और अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं तैयार हूँ, जा रही हूँ नीचे क्योंकि आज हमें बसोड़ा पूजना है, जो होली के बाद पहला सोमवार आता है ना, उस दिन पूजता है हमारे यहाँ, और किसी किसी के यहाँ सप्तमी के दिन भी पूजता है। तो आज है होली के बाद पहला सोमवार और हमें पूजना है बसोड़ा। तो हमारे यहाँ पे जो बसोड़ा पूजता है वो उस जगह पे पूजता है जहाँ पे हमने होली पूजी थी, और एक जगह पूछता है चौराहे पे, दो जगह माता पूछते हैं हम। तो अभी मैं उठ गई हूँ, नीतू उठ गई है नीचे, मम्मी भी उठ गई होंगी। और पूजने का जो होता है तो वो तो रात को ही बना के तैयार करके रखना पड़ता है। चलो फटाफट से चलते हैं और माता पूछ के आते हैं। और ये हमारी पूजा की थाली तैयार है, पानी के लोटे तैयार हैं, इसमें हमारे पीलिए हैं जो कि हमें ओढ़ने हैं। ये पूजा की थाली है, ये देखो सब, क्या लोटों की कुतुब मीनार बनाई है। नींद आ रही है इसको? नींद में उठ के आई है कभी? माता पूज के हम आ गए हैं और सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म एफ्रेश के साथ। अभी बहुत गर्म नहीं है क्योंकि गर्मी आ गई है ना, तो नॉर्मली गर्म है। और बज गए हैं 7, तो अब वापस जाके सोने का कोई मतलब नहीं है, तो ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू हो गई है। और मुझे कई दिन से ऑफिस बुलाया जा रहा है, आपको पता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ बट ऑफिस भी जाती हूँ कभी कभी जब काम ज़्यादा होता है। तो मुझे कई दिन से बुलाया जा रहा है ऑफिस, और क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो इसलिए मैं जा नहीं रही थी। बड़ा हरामी हो बेटा। अब आज जल्दी उठ गए हैं, जल्दी काम ख़त्म हो गया तो सोच लो आज ऑफिस चली जाती हूँ, और बाकी अभी देखेंगे मूड। तो चलो पहले फटाफट ब्रेकफास्ट का काम निपटाते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. अभी बज गए हैं 10:30, काम सारा निपट गया घर का और मैं नहा धो के तैयार हूँ, मेरे ऑफिस का बैग भी तैयार है और अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। और सच बताऊँ ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का, और लेकिन जाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं मेरे पास क्योंकि मैं कमिट कर चुकी हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। और अभी तो मार्च की स्टार्टिंग है और अभी से कैसे गर्मी सी लगने लगी ना, इसलिए मैंने बाल बांध लिए क्योंकि खुले रखने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। मेरे को बाहर धूप दिख रही है और धूप दिखते ही मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि बाहर कितनी गर्मी है। तो चलो कोई बात नहीं, गर्मी है, धूप है, जो भी है, जाना है तो जाना ही है। तो चलो चलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं, काम निपटाते हैं और फटाफट वापस आते हैं। मैं पहुँच गई ऑफिस और दिखाऊँ कितना काम करती हूँ। ये देखो, सिस्टम, लैपटॉप दोनों एक साथ चल रहे हैं और दोनों पे एक साथ काम हो रहा है। देख रहे हो कितना काम करती हूँ मैं। झूठ बोल रहा है। और ये देखो बाहर का व्यू, मेट्रो सामने से जाती हुई नजर आती है, यहाँ बोरियत महसूस नहीं होती है हमारे ऑफिस में। अभी हुए 2:30 और बाहर का नज़ारा, काम और लंच एक साथ। लंच में मैं लाई थी मीठे चावल जो कि हमने सुबह की पूजा के लिए बनाए थे, और थोड़े से नमकीन चावल भी लाई हूँ बट वो मैं खाऊंगी बाद में। और दीपिका मैडम की मीटिंग है तो इसलिए मुझे अकेले लंच करना पड़ रहा है। घर पे रहती हूँ ना तो काम चलता ही रहता है, ऑफिस में आती हूँ ना तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है मेरा, क्योंकि घर में तो फिर घर के हिसाब से ही काम होता है ना, कभी घर का काम, कभी ऑफिस का काम, कभी घर का काम, कभी ऑफिस का काम, और यहाँ पर पूरा फोकस सिर्फ काम पर रहता है। और आज के लिए काम हो गया ख़त्म, बैग पैक हो गया, अब चलते हैं वापस घर। तो निकलती हूँ मैं और मिलेंगे अब घर पहुँच के। A few moments later. तो मैं पहुँच गई हूँ घर, और जब मैं रास्ते में थी ना तो एक शैतान बच्चे का मुझे फोन आया कि मम्मा मेरे को लोटी अच्छी नहीं लगली, मेरे लिए चिप्स ले आना। तो मैं उसके लिए सारे कलर की चिप्स लेके आई हूँ, एक रेड ले आना, एक ब्लू ले आना, एक येलो ले आना, एक पर्पल ले आना। तो मैं सारे कलर की ले आई इसके लिए एक एक, और अभी आ नहीं रहा मेरे पास, बाहर बैठा हुआ रूठ के। सोना जल्दी आओ, अभी आएगा भागा भागा, मैं चीज लाई हूँ तुम्हारे लिए। होली में खेल तो लिया मजे से, और होली के बाद से इसकी तबीयत खराब है, एक दिन फीवर हुआ, बाकी इसको हल्का फुल्का सा कोल्ड हो रखा है। देखो आ गया मटकता हुआ, जल्दी आओ, जल्दी से आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज लाया हूँ। देखो कौन सा कलर है। सोना तुमने चिज्जी मंगाई थी ना मम्मा से, देखो देखो मम्मा ले आई, खोलो देखो कौन से कलर है, जल्दी देख के बताओ।
ये कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन। और देखो ये कौन सा कलर है? पर्पल। ये पर्पल है कोई। और देखो ये कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू। और बताओ ये कौन सा कलर है? येलो। येलो। और बताओ ये कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन। बाकी सब सही जवाब, एक गलत जवाब। अब तुम कौन सा खाओगे इसमें से, और मुझे कौन सा दोगे, और भाई को कौन सा दोगे? मैं भाई को ले वाला दूंगा। और तुम्हें ले वाला। और मैं ले वाला खाऊंगा। ठीक है, और गाइस को कौन सा दोगे? ले वाला। कौन सा कलर है ये? ग्रीन। दिखाओ सीधा करके गाइस, आपको ये वाला देगा ग्रीन। सीधा तो करके दिखाओ, ये सीधा थोड़ी होता है, सीधा सीधा गाइस ये ग्रीन देगा। सब आ जाओ, सबको एक एक दे देगा ये। ग्रीन येलो ब्लू। हाँ बना लो, पी लेंगे। चलो जल्दी से एक मुझे दे दो, मुझे पर्पल वाला दे दो। ये देखो, ये इसने मुझे दे दिया चारी मस्ती मैड एंगल। और बाकी ये भाई के लिए रख दो और अपना खा लो। चलो तुम्हें रोटी अच्छी नहीं लग रही? रोटी अच्छी नहीं लग रही? क्यों? रोटी भी नहीं अच्छी लग रही, शक्कर भी नहीं अच्छी लग रही। शक्कर भी अच्छी नहीं लग रही? नहीं। अच्छा ठीक है, अपनी चिप्स खा लो। नीचे और ये देखो, शैतान बच्चे ने आते ही उधम उतार दिया इसने सारे घर में। और ये बच्चा अभी सुबह से ये फोन और टीवी में लगा हुआ है। मैं ऑफिस चली गई, आज इसको मौका मिल गया पूरे दिन फोन टीवी में लगने का। अभी मैंने इसका टीवी बंद किया। जिस दिन से इसके एग्जाम खत्म हुए ना, सिर्फ फोन और टीवी के अलावा कुछ नहीं किया इसने। अब ऐसे बच्चों को कूटना चाहिए पकड़ के या बख्श देना चाहिए? कमेंट करके बताओ। अगर गाइज ने बोल दिया कि इसको बख्श दो तो इसको बख्श दिया जाएगा, नहीं तो इसकी गुत्थी नापी जाएगी अच्छी तरह। अच्छा ठीक है गाइस, कमेंट करके बताना कि ऐसे बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। आधा घंटा सुबह से लगा हुआ है बेटा मेरे पीछे से। सामानों बज गए, अभी काम हो गया है सब खत्म, और सिर्फ बस दूध का काम बाकी है। ये दूध मेरा हल्दी वाला। और सुबह उठे थे हम आज 6 बजे से भी पहले, और बहुत थक गए हैं। अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल सुबह फिर जल्दी उठना है नूनू की पीटीएम है। आदत छूट गई ना, जब नूनू स्कूल जाता है तो आदत रहती है। अभी कई दिन से नूनू की छुट्टी चल रही है ना, तो आदतें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अब वापस नूनू स्कूल जाएगा तो फिर से रूटीन में आ जाएंगे, फिर से वही उसी टाइम उठना। और मैं बुलावे में थी कि नूनू की पीटीएम 15 तारीख को है, लेकिन वो तो अच्छा, उसके टीचर का रिमाइंडर कॉल आ गया तो मुझे पता चल गया कि उसकी पीटीएम कल है। तो देखते हैं कल नूनू का कैसा रिजल्ट आएगा। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।